जय श्री कृष्णा। भक्त जनों, भगवान श्री कृष्णा अवतार की मनमोहक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। जब जब भूमि पर असुरों के अत्याचार बढ़े हैं, तब तब देवों या देवियों ने प्रकट होकर उनका अंत किया है। इसी तरह जब ब्रज भूमि पर कंस का अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया, तब द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया और कंस के आतंक को ब्रज भूमि से मिटा दिया। आइए इसी कृपा की सूक्ष्म रूप में कथा सुने और आनंद लें। श्री कृष्ण जी की कथा सुनाए, महाप्रभु को शीश नवाए। ब्रज रज अपने शीश लगाए, विघ्न कलेश सभी मिट जाए। उग्रसेन मथुरा के राजा, प्रजा हित में करे सब काजा। पुत्र कंस इनका अभिमानी, बड़ा अधर्मी करे मनमानी। अपने पिता का विरोध करे ये बड़ा ही निडर, ना किसी से डरे। राजा दुखी है दुखी नगरी, दुष्कर्मों से राजधानी है बिखरी। कंस उग्रसेन महाराज का बड़ा पुत्र था, जो बड़ा ही दुष्ट, हठी, अधर्मी और अत्याचारी था। बड़े बड़े राक्षस इसके सेवक और सलाहकार थे। धर्मी राजा का पुत्र होते हुए भी कंस अधर्मी और अन्यायी हो गया। उसी समय कंस की चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को बहुत चाहता था। विवाह के बाद वो अपनी चचेरी बहन और वासुदेव को रथ में बिठाकर विदा करने जा रहा था। अचानक आकाशवाणी हुई जो उसने सुनी। सुन ले कंस ओ अत्याचारी, अब तो निकट है मृत्यु तुम्हारी। रथ में बिठा के जिसे ले जाए, इसी का पुत्र तुझे मार मिटाए। इसी के आठवें पुत्र के द्वारा होगा एक दिन अंत तुम्हारा। आकाशवाणी सुन कंस क्रोध में आ गया और उसने अपनी बहन को मारने का निश्चय किया। वासुदेव कहे सुन अभिमानी, है निर्दोष ये देव की रानी। सुनो देव की ये बहन तुम्हारी, कर दे क्षमा इसको अत्याचारी। वासुदेव जी ने कंस को बहुत समझाया, परंतु कंस पर इसका कोई प्रभाव ना हुआ। उसने कहा, मैं इसी को मार देता हूं, फिर मुझे मारने वाला इसका पुत्र कैसे उत्पन्न होगा। वासुदेव बोले,
तुम्हारी इस बहन ने तो कोई अपराध नहीं किया है। तुम्हें डर है तो इससे जो भी संतान होगी मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। वासुदेव की ये बात कंस ने मान ली और कंस ने उन दोनों को बंदी बना लिया। पहले पुत्र ने जन्म जो पाया कंस के पास उसे पहुंचाया, वो बालक वापस लौटाया। नारद ने उसको समझाया, कौन सपुत्र ये आठवां होगा, इसका निर्णय कैसे होगा। सुन के वचन दानव चकराया, उस बालक को छीन के लाया। बालक संग अन्याय किया, पत्थर पे पटक के मार दिया, शिशुओं पे भी दया न करे, वो पापी असुर ना किसी से डरे। कंस ने बलपूर्वक अपने पिता उग्रसेन जी को कारागार में डाल दिया। पिता को कैद करके वह दुष्ट मथुरा का राजा बन गया। देवकी के जो भी संतान होती वो उसे पत्थर पे पटक पटक कर मार दिया करता। इस प्रकार उसने देवकी की 6 संतानों को जन्म लेते ही मार डाला। जब देवकी जी के 7वीं संतान हुई तब भगवान ने योग माया से कहा, तुम इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो और तुम नंद की पत्नी यशोदा जी के यहां पुत्र बनकर प्रकट हो जाओ, क्योंकि इस बार मैं कृष्ण रूप में देवकी के यहां प्रकट हो जाऊंगा। रोहिणी का गर्भ भी उसी में मिल गया और वहां बलराम जी प्रकट हुए। भादो अष्टमी की शुभ घड़ी आई, आधी रात को जन्म कन्हाई, नन्हे शिशु बने भगवाना, भेद प्रभु का कोई न जाना। श्याम रंग सब का मन मोहे, पीली पीतांबर तन पर सोहे, प्रकट भये श्री कृष्ण अवतारी, जन्मे चक्र सुदर्शन धारी। वासुदेव तुम गोकुल जाओ, इस बालक को वहां पहुंचाओ, यशोदा की कन्या ले आओ, शीघ्र
भगवान की कृपा से वासुदेव जी के हाथ से और पांव से बेड़ी अपने आप ही खुल गई। इस पर पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जेल के ताले भी अपने आप ही टूट कर गिर गए। वासुदेव जी बालक श्री कृष्ण को एक सूप में रखकर जेल से निकल गए। तेज बारिश और अंधेरी रात, बिजली जोर जोर से कड़क रही थी। ऐसी अंधेरी रात में श्री कृष्ण को लेकर वासुदेव जी गोकुल के लिए निकल पड़े। बिजली कड़के अंधेरी छाई, गोकुल चले हैं कृष्ण कन्हाई। उफन रही थी यमुना माई, प्रभु दरस को वो अकुलाई। सारे जगत के पालनहारी, करूं वंदना नाथ तुम्हारी। यमुना प्रभु के पांव पखारे, शांत हुए तब यमुना के धारे। रास्ता बनावे यमुना माई, वासुदेव की विपदा मिटाई। शेषनाग ने छतर बनाया, प्रभु की सेवा का फल पाया। यमुना पार करें वासुदेवा, मिली भाग्य से प्रभु की सेवा। वासुदेव यशोदा घर आए, यशोदा जी के भाग्य जगाए। गोकुल में ये खुशी है छाई, सभी पुत्र जन्म की देते बधाई। यशोदा की पुत्री को लेकर लौटे वसुदेव जेल के अंदर। भक्तों, जब वासुदेव यशोदा की पुत्री को लेकर वापस आए तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए। इधर कंस को देवकी की संतान होने की खबर लगी तो वो फौरन जेल के अंदर आया। यह देख देवकी ने कन्या को गोद में छुपा लिया। रोते रोते देवकी बोली, भैया यह तो कन्या है, तुम इसके प्राण मत लो। मगर उस दुष्ट ने एक न मानी और देवकी से कन्या को छीन पत्थर पे पटकने लगा। लेकिन वो कन्या मामूली कन्या नहीं थी, योग माया थी। कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और अष्टभुजा धारण करके कंस को चेतावनी दी। दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया, अब तेरा अंत निश्चित है।
वचन सुने तो कंस घबराया, अपनी बहन के पास में आया, पति पत्नी को रिहा करवाया, पापी करनी पर पछताया। कंस ने सारे दैत्य बुलाए, दानव उसको ये सलाह बताए, अपने दूत घर घर पहुँचाओ, जन्म शिशु का पता लगवाओ। दैत्य की बात सुन भड़क गया रे, कंस ने फिर आदेश किया रे, जाओ दूत तुम पता लगाओ, जन्मे जहां बालक मरवाओ। भक्तों, इधर कृष्ण जन्म धूमधाम से मनाया जा रहा था, नंद महल को खूब सजाया गया था, सभी ब्रजवासी खुशियां मना रहे थे। उधर कंस ने अपने राक्षस और राक्षसियों को आदेश दिया कि हमारे राज्य में जो भी बालक जन्मा है उसे जीवित ना छोड़ो, फौरन मार दो। नंद महल में जब छठी का उत्सव मनाया जा रहा था, तभी पूतना राक्षसी भेष बदल कर नंद बाबा के महल में आई और पालने में झूलते कृष्ण को उठाकर ले गई और अपने स्तन में लगाया जहर उन्हें पिलाने लगी। भगवान तो सारी लीला जानते थे, पूतना का दूध पीते पीते पूतना के तो प्राण ही निकल गए और पूतना का उद्धार हो गया। श्री कृष्ण जी ने पूतना मारी, खाके पछाड़ गिरी वो हत्यारी, देख चकित हुई दुनिया सारी, छोटा बालक सब पे है भारी। यशोदा मैया जी गले लगाए, अपने लाल की लेत बलाए, आए सखे सब यशोदा के अंगना, जुग जुग जिए माई तेरा ललना। अद्भुत महिमा है मेरे गिरधर की, जन जन का जो उद्धार करें, भक्तों का वही बेड़ा पार करें। कंस के भेजे हुए तमाम राक्षसों का श्री कृष्ण भगवान ने बारी बारी से सबका अंत कर दिया। जब कृष्ण जी थोड़े और बड़े हुए तो अपनी लीलाएं दिखाने लगे, घुटवन घुटवन आंगन में चलने लगे। एक बार मिट्टी का डेला मुख में रख लिया, गोपियों की शिकायत पर यशोदा जी ने उनका मुख खुलवाया तो चकित रह गईं। उन्हें कृष्ण जी के मुखमंडल में सारा ब्रह्मांड दिखाई दे गया। माता उसी समय समझ गईं कि ये बालक
मामूली नहीं है। खेल खेल में लीला दिखाई, काली दहन कूदे कन्हाई, ग्वाल बाल सब शोर मचावे, कान्हा को अब कौन बचावे। नागफनी में कान्हा विराजे, ताथैया फन पे नाचे, नाश किया वो कालिया काला, कैसी लीला करे नंदलाला। तो श्री कृष्ण भगवान कभी माखन चोरी करते, कभी सखियों के चीर चुराते, कभी दही दूध या दान मांगते, कभी होली में हुड़दंग मचाते, भिन्न भिन्न लीलाओं से वो सबको प्रसन्न करते। गोपी गोपियां उनके बिना एक पल भी नहीं रहते, मधुबन में कभी रास रचाते, कभी गौए चराते, कभी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाते और ब्रजवासियों की रक्षा करते। इसी तरह एक समय आया और वो कंस का वध करने अपने बड़े भाई बलराम यानी बलदाऊ जी के साथ मथुरा आए। कंस ने भेजे दैत्य बलवाना, सबको मार रहे भगवाना, शक्ति यहाँ बलराम दिखाए, कंस के योद्धा सब घबराए। कृष्ण ने मारा वो पागल हाथी, मारे गए सब कंस के साथी, सिंहासन पे कंस इठलाए, उसको बाल पकड़ के लाए। पटक पटक के कंस को मारे, भागे कंस के सैनिक सारे, उड़े कंस के प्राण पखेरू, श्री कृष्ण की आ